जो है हमारा वो ये है कि इटरेशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इटरेशन स्टेटमेंट मींस लूपिंग स्टेटमेंट्स। ये लूप स्टेटमेंट्स आपकी कौन कौन सी होती हैं कि कोड को बार बार हमने एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए मैं क्या लगाता हूँ, इटरेशन स्टेटमेंट्स। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मैंने जावास्क्रिप्ट पर कोड करना है, स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट किया, बंद किया, मैंने शो करना है, ये मैंने शो करना है। ओके, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ओके, आपको ये आउटपुट आ रही है, क्लियर बात यहां तक? ये बड़ी इसलिए आ रही, जूम हुआ हुआ है, और कोई रीजन नहीं इसकी। डन, मैं आपको कहूं मैंने ये वर्ड सपोज 5 टाइम शो कराने हैं, तो आपको 5 टाइम्स ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब आप अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब आपको 5 टाइम शो होगा। सेव किया है, सेव नहीं किया हुआ था, अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, कितनी दफा शो हो रहा है, 5 टाइम आपको शो हो रहा है, लेकिन साथ में इसलिए नहीं आ रहा है, साथ साथ आ रहे हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बी आर, मैं बी आर लगा देता हूँ। अब आप इसको चेक करेंगे, अभी आपको कितनी दफा शो करेगा, 5 टाइम शो कर रहा है, क्लियर? 10 टाइम शो करना होगा तो मुझे कितनी दफा ये लगाना पड़ेगा, 10 टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब इसके आगे ये 5 टाइम हमने शो किया है हेलो, तो आपको हेलो 5 टाइम शो हो रहा है। ये बार बार अगर मैं आपको कहूँ 10 टाइम शो करवाना है, आपको कितनी दफा हेलो लगाना पड़ेगा, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स। तो आपको लाइन बार बार लिखनी पड़ रही है, तो आपका लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब लाइन ऑफ कोड आपका इंक्रीज होता है, तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम भी इंक्रीज होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब होता है उसने हर लाइन को देख के चलाना होता है, तो उसको टाइम लग रहा है। उसको लेट्स सपोज इतनी लाइन को चलाने के लिए 1/2 सेकेंड लगाओ, ज्यादा लाइन हो रही है उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो टाइम कंज्यूमिंग क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और आपका लाइन ऑफ कोड भी क्या हो रहा है, ज्यादा, आपकी वेबसाइट का जो लाइन ऑफ कोड है वो क्या हो रहा है, ज्यादा। और इस वजह से अगर आपने सेम काम बार बार कराना है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि मैंने बार बार सिर्फ हेलो शो करवाना है या कोई भी वर्ड शो करवाना है, तो उसके लिए मैं फिर क्या लगाता हूँ, उसके लिए मैं लूप लगाता हूँ। लूप हम यूज करते हैं किसी भी सेम काम करने को, मतलब एक ही काम मैंने करने हैं बार बार, तो मैं उसके क्या लगाता हूँ, लूप लगाता हूँ, क्लियर? अब आपकी लूप्स की टाइप्स कितनी है, इसको कहते हैं लूप। लूप्स की आपकी बेसिकली टाइप है फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ये आपकी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लूप्स होती हैं, जिनको हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, और जिनकी वजह से आपकी बार बार एक ही काम आपका बार बार क्या हो रहा होता है, सेम रेपिटेशन हो रही होती है, मतलब एक ही काम मैं बार बार करा सकता हूँ, क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, इसको हमने यूज किस तरह करना है, लूप के अंदर आपने बेसिकली 3 थिंग्स बतानी होती हैं, इनिशियलाइज, सेकेंड वन है कंडीशन, एंड द थर्ड वन इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में से कोई एक चीज बताओगे, और इनिशियलाइज और कंडीशन। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि आपने क्या वैल्यूज को दी है, कंडीशन का मतलब होगा कहाँ तक चलानी है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने प्लस करना होता है। इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल ये है कि इनिशियलाइज इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन इज योर एंडिंग पॉइंट, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसको बेसिकली स्टेप ऑन करता है। अगर आप स्टेप ऑन नहीं करोगे तो आप किस तरह मूव करोगे। इसकी एक और लाइव एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। एक स्टूडेंट है, वो इधर खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी एक डेस्टिनेशन है, उसने एंड तक जाना है, क्लियर? उसको बेसिकली 10 स्टेप्स चाहिए तो वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। तो अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट क्या है, वो लोकेशन है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कैसे मूव करेगा स्टेप्स ले लेके, ओके? अगर उसको आप स्टेप नहीं लोगे तो वो मूव नहीं करेगा, तो आपका लूप क्या होगा, बार बार चलता रहेगा, क्योंकि उसने डेस्टिनेशन तक जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक उसका फिनिश नहीं होना काम, क्लियर बात यहां तक? ओके, इसको हम यूज करते हैं आगे। मैं यहाँ पे फॉर लूप पहले यूज कर लेते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है फॉर, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम बेसिकली वो लाइन ऑफ कोड लिखते हैं जो आपने बार बार चलाना है, क्लियर? कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम क्या लिख दें, नहीं,
ये लिख देता हूँ जस्ट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? और यहां पे हम लगा देते हैं बी आर। ओके, मैंने यहां पे क्या लगा दिया? बी आर के ऑटोमेटिकली क्या आ रहा हो आपका? लाइन ब्रेक भी आ रहा हो। अब आपने फॉर लूप के अंदर यहां पे क्या करना है? आपने यहां पे तीन चीजें बतानी है, इनिशियलाइज, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इनिशियलाइज का मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता देता हूं, वी ए आर आई इज इक्वल टू 1। किसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 है, सेमी कॉलन। उसके बाद आगे बता दोगे कि आपकी कंडीशन आ रही है, मतलब फर्स्ट वन इज योर इनिशियलाइज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड वन इज योर कंडीशन, कंडीशन इज योर एंडिंग पॉइंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं इज लेस देन इक्वल टू 10 और यहां पे लिख रहा हूं आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होगा? प्लस प्लस का मतलब है कि आई में प्लस 1 होगा, दिस इज आई। ओके, और यहां पे आप लिख रहे हो आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन बता रहे हो कि इसने 1 से लेके कहां तक जाना है? 10 तक जाना है, ठीक है। उसके मुताबिक मैंने कंडीशन लगाई है और आई प्लस प्लस का मतलब प्लस 1 करता रहेगा ऑटोमेटिकली। अब इसको अगर मैं यहां पे चलाता हूं, देखिए आपको शोर डन, आपको ये हाई कितना पर शोर है? 10 टाइम्स। इसको मैंने अगर 7 टाइम्स करना हो, इसको मैंने 7 कर दिया एंडिंग पॉइंट के 1 से लेके 7 तक, मतलब 7 टाइम चल रहा है, तो कितनी दफा शो कर रहा है? 7 टाइम। इसको मैंने 100 टाइम्स करना है, तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं? 1 to 100, मतलब 1 से लेके अगर 100 तक काउंट करोगे 100 टाइम चल रहा है। अब आप इसको काउंट करेंगे, ये आपका बेसिकली 100 टाइम्स आपको इसने शो कर दिया। आपने जितनी बार शो करना है आप यहाँ पे बताएंगे दैट उतनी दफा शो करेगा, ठीक है। ये 1 से लेके 100 के बीच में गैप देख रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, अब कितनी दफा शो करेगा? 9 टाइम्स, क्योंकि 10 पे आपने इक्वल टू नहीं लगाया तो 10 पे ये नहीं जाएगा, तो कितनी दफा शो कर रहा है? ये 9 टाइम शो कर रहा है। अब आप इसको चेक करेंगे, ये आपके 9 टाइम शो हुआ, डन। ओके, अब इसी तरह करके अगर मैं यहां पे कर देता हूँ 0, अब कितनी दफा शो होगा? अगर आप काउंट करो, क्योंकि 10 पे चलना नहीं इसने, क्योंकि 10 यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो कितनी दफा है? 10 टाइम्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये टोटल 10 टाइम्स आपका बन रहा है। क्लियर बात यहां तक? इसी तरह करके मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ 11 और एंडिंग पॉइंट में यहाँ पे बता देता हूँ 20, अब कितनी दफा शो कर रहा है? 9 टाइम्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देता हूँ अब, क्योंकि आप अगर आप काउंट करो 11 टू 20, 20 किस लिए दिखाया? क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो कितनी दफा लगाएगा? ये 10 टाइम्स आपको शो कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो उसके बीच का गैप होता है वो मैटर करता है कि वो कितना गैप है, उसने उतनी बार उसको एग्जीक्यूट करना है। क्लियर बात यहां तक? कोई मसला? अच्छा, अगर मैंने यहां पे इसकी वैल्यू भी शो करवानी है आई की वैल्यू, तो वो मैं किस तरह दिखाऊंगा? स्टार्ट में दिखा देते हैं आई प्लस दिस वन, कि आई एक वेरिएबल की वैल्यू भी दिखाए और एक कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ प्लस। अभी देखें आपको आ रहे वैल्यूज के साथ भी, दिस इज फर्स्ट हाई, दिस इज सेकंड हाई, दिस इज थर्ड हाई, दिस इज फोर्थ हाई। क्लियर डन? अच्छा, इसका जो सीक्वेंस है ये आपका मैटर करता है कि फर्स्ट वन आपका लाजमी इनिशियलाइज है, सेकंड वन आपका लाजमी कंडीशन होगा, द थर्ड वन इज योर लाजमी इंक्रीमेंट। ओके, अच्छा यहां पे अगर मैं कंडीशन बदल देता हूं, मैं कह देता हूं यहां पे ये 10 हो गया और ये 1 हो गया। अब इसके लिए मुझे ब्रैकेट ये लगानी पड़ेगी, अगर ये वाली मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो क्या होगा? इसको मैं आपको ओके यार, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने यहाँ पे ये आपको समझा दिया था फॉर लूप। इसमें हम इनिशियलाइज भी बताते हैं, इसमें हम क्या नाम है कंडीशन भी बताते हैं और इंक्रीमेंट भी बताते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे अगर यही काम मैंने सेम काम वाइल लूप से करना हो, किस तरह करूंगा? वाइल लूप में चेंजिंग क्या आएगी? यहाँ मैं लिखूंगा वाइल, फॉर लूप में आपकी तीनों चीजें साथ हो जाती हैं, इनिशियलाइज भी, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट भी। लेकिन वाइल लूप में आपका क्या हो जाता है? आपकी वाइल लूप के अंदर जस्ट क्या आती है? कंडीशन आती है।
इनिशलाइज और इंक्रीमेंट खत्म हो जाता है यहाँ से। क्लियर बात यहाँ तक? वाइल की ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? बस कंडीशन आता है। कंडीशन मतलब योर एंडिंग पॉइंट। इनिशलाइज कहाँ पे करोगे? जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? वार आई इज इक्वल टू वन, ये हम कहाँ पे कर देंगे? उससे पहले। और इंक्रीमेंट हम कर रहे थे, इंक्रीमेंट कहाँ पे कर देंगे? लूप के अंदर। दैट्स इट, ये आपका वाइल लूप हो गया। बस इसकी थोड़ी बहुत बॉडी चेंज करनी है, आउटपुट आपको सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 10 हो गया क्योंकि 10 तक कर दिया। क्लियर बात यहाँ तक? आपका आउटपुट आपको सेम ही है। अब इसको अगर डू वाइल में कन्वर्ट करना हो किस तरह करोगे? ये वाइल की जो कंडीशन है ये उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा एंड पे, जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मेरी एंड हो रही है इसकी, इस बॉडी की। और इसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूंगा सेमी कॉलन, यहाँ पे लगेगा। और इसके साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा डू। और अब ये चला के दिखाता हूँ, सेम आउटपुट। अब इन तीनों में फर्क क्या है, कब कौन सा कहाँ पे यूज करना है? फॉर लूप हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे मुझे पता हो कि मैंने कितनी बार चलाना है। 10 times, 2 times, 100 times, 1000 times, 10,000 times, मुझे पता हो कितनी बार चलाना है। मैं क्या यूज करता हूँ, क्या यूज करता हूँ मैं? फॉर लूप। फॉर लूप को प्रायोरिटी देते हैं, वाइल डू वाइल से कर सकते हैं, लेकिन फॉर को इसलिए प्रायोरिटी देते हैं कि फॉर को हैंडल करना ईजी होता है। वाइल और डू वाइल में तब यूज करता हूँ जब मुझे पता ना हो कितनी बार चलाना है, लेकिन मैं डिपेंडेंट होता हूँ कंडीशन के ऊपर कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मेरा वाइल और डू वाइल चलता रहे, तो तब मैं यूज करता हूँ वाइल और डू वाइल। अब वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है? वाइल और डू वाइल में ये फर्क है, अगर आपका वाइल है, मतलब ये कोड लिखा हुआ है, ये वाइल आपका तभी चलेगा अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी। मैं इसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, 11। मुझे बताओ लूप चलेगा? आई की वैल्यू 11 है, 11 इज लेस देन 10, 11 इज इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है, तो ये मेरा कोड नहीं चलेगा। तो अब आप यहाँ पे देखो आउटपुट में आपको क्या आएगा? कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसी को मैं डू वाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे वाइल लूप लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डू। अब ये डू वाइल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो कितनी बार चलेगा ये, कितनी बार चला ये? एक बार चला है। इसका मतलब क्या है? डू वाइल में कंडीशन फॉल्स होने पे भी आपका एटलीस्ट वन टाइम लूप लाजमी चलता है। ये वाइल और डू वाइल में फर्क है। एक कंडीशन फॉल्स भी अगर होती है तो आपका लूप एटलीस्ट वन टाइम लाजमी चलता है, क्योंकि ये देखो वैल्यू 11 है, उसके बाद यहाँ पे इसने 12 की है और ये चेक कर रहा, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे? फॉल्स है, लेकिन हमारा लूप चल गया। इसकी रीजन ये है, वाइल में कंडीशन आपकी ऊपर थी एंट्रेंस पे, तो उसने एंटर होने से पहले कंडीशन चेक करनी थी, लेकिन डू वाइल में आपका जो कंडीशन है वो एट द एंड ऑफ द लूप है, तो उसके लिए ये जब चेक करता है तब तक इसने वन टाइम इसको एग्जीक्यूट कर दिया होता है। क्लियर बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। अच्छा, अब अपनी असाइनमेंट सुनो, ये भी मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सुन लो। आपकी असाइनमेंट ये है, इसको मैं ऊपर दिखा नहीं सकता हूँ। आपकी असाइनमेंट ये है, आपने यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से कोई नंबर इनपुट लेके आपने वो नंबर का टेबल शो कर देना। अगर यूजर 3 देता है 3 का टेबल शो कर दो, अगर यूजर 5 देता है 5 का टेबल शो कर दो। वो किस तरह लिखोगे? लेट्स सपोज मैंने 5 एंटर किया, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, इस तरह करके मुझे आउटपुट आए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, मुझे इस तरह करके आउटपुट चाहिए। इसी सीक्वेंस में मैं यहाँ पे अगर 10 लिखूँ तो यहाँ पे 10 लिखा आ जाए, बाकी ये स्टैरिक हो यहाँ पे, ये 1 और यहाँ पे उनका आंसर लिखा हुआ नजर आए, मुझे इसी पैटर्न में आंसर चाहिए। क्लियर बात यहाँ तक? और ये आपने 2 5 स्टैरिक 12 इज इक्वल टू 60, मतलब 12 तक शो करना है बस। लेकिन नंबर हम यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, मैं 5 दे दूँ, 1000 दे दूँ, 10,000 दे दूँ, मैं जो सा भी नंबर दूँ मुझे उसका आंसर यहाँ पे शो करे, लेकिन ये कहाँ तक चले? ये 12 तक चले बस। क्लियर बात यहाँ तक? हाँ, ये लूप के थ्रू होगा, क्योंकि आप सेम काम बार बार रिपीट करो, थोड़ा सोचना ठीक है। और एक सिंपल सी असाइनमेंट एक और है इसके अलावा, सिंपल सी ये बच्चों वाली है, आपने ये मुझे शो करवाना है। Thank you.
ये लो ये मुझे शो करना आप, इस पैटर्न में आउटपुट आएगी। डॉक्यूमेंट और राइट के थ्रू ये शो नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपने। क्लियर बात यहां तक? लेकिन इसमें चेंजिंग ये है कि जौन सा सिंबल मैं इनपुट दूं वो यहां पे नजर आए। फिक्स नाउ एट द रेट ऑफ फिक्स नाउ यूजर से मांगना है, मैं स्टैरिक देता हूं इस पैटर्न में स्टैरिक दिखा दो, मैं स्लैश देता हूं इस पैटर्न में स्लैश दिखा दो। ये भी लूप से होगा, दोनों असाइनमेंट आपकी लूप से होनी है, फॉर लूप से। क्लियर? ओके okay.